बंद हो रहा है करण का चैट शो। वेल, क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, प्रोड्यूसर करण जौहर का ये जो शो है कॉफी विद करण, ये बंद हो रहा है। हालांकि इससे रिलेटेड क्या कुछ करण जौहर ने कहा है ये मैं आपको बता दूं। तो दरअसल करण जौहर का ये जो शो है, ये चैट शो है जहां पर सेलिब्रिटीज आते हैं और उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस किए जाते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कई सारे सवाल जवाब जो है वो करण करते हैं। वेल, यहाँ पर अब करण ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और वो डिसीजन ये है कि वो अपना शो बंद कर रहे हैं। वेल, काफी समय से ये शो जो है वो चलता आ रहा था, 2004 से ये शो चला। वहीं फैंस ने इसे पसंद किया, वहीं कुछ फैंस ने इसे नहीं पसंद किया। लेकिन अब करण जौहर का कहना है कि इस शो में और ज़्यादा कंटेंट है नहीं, क्योंकि वही लोगों को बार बार देखकर कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है वो बोर हो जाएगी। तो यहाँ पर करण जौहर जो है वो कहते हैं कि हाल फिलहाल हमारे पास में जो था वो ये था कि हम कई सारे सेलिब्रिटीज़ को तो हम लेकर आ गए इस शो में, लेकिन अब दोबारा देखने के लिए मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस जो है वो एक्साइटेड रहेगी। वहीं ऑडियंस इस बात को लेकर एक्साइटेड भी थी कि जो न्यूली वेड्स कपल हैं वो इस शो में नजर आ सकते हैं, जैसे कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को वो देख सकते हैं शो में, साथ ही कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को। लेकिन हाल फिलहाल अभी इस शो को लेकर जो है उन लोगों ने हाँ नहीं किया है, तो इस शो में कहीं ना कहीं अब रुकावट बनी हुई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि करण जौहर का कहना है कि वो इस शो को OTT पर शिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये शो जो है वो नजर आ सकता है और इसके कुछ क्लिप्स जो हैं वो आ सकते हैं OTT पर। वेल, हाल फिलहाल करण जौहर ने ये खुलासा किया है। आपकी क्या रिएक्शन है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।